व्हाट्सअप गाइस, आप देख रहे हैं ऑन फायर गेमिंग यूट्यूब चैनल और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एवोल्यूशन एक्स के लेटेस्ट अपडेट 6.0 स्नो की, जो आ चुका है हमारे रेडमी नोट 7 प्रो के लिए। यह अपडेट आपको मिल जाता है एंड्रॉइड 12 पे बेस्ड। इस अपडेट में आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, कैसी परफॉर्मेंस और गेमिंग परफॉर्मेंस मिलती है, ये सब मैं इस वीडियो में आगे आपको बता दूंगा। तो अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टॉक कैमरा की, तो इस रोम में आपको कोई भी स्टॉक कैमरा नहीं मिलता, बट आप जीके मेट पॉइंट 1 को इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं, ये आपको फुली वर्किंग मिल जाएगा। अबाउट फोन में जाकर एंड्रॉइड पर टैप कर आप देख सकते हैं आपको एंड्रॉइड 12 पे बेस्ड रोम मिल जाती है। एवोल्यूशन एक्स वर्जन मिलता है 6.0, सिक्योरिटी पैच आपको मिलता है लेटेस्ट नवंबर का, और जो कर्नल यहाँ पे यूज किया गया है यह है एक्सकैलिबर प्लस। सिलिनक्स स्टेटस आपका इन्फोर्सिंग है, तो सिक्योरिटी का भी आपको कोई इश्यू नहीं आएगा। सिस्टम में आपको अपडेटर मिल जाता है, यहाँ से आप OTA अपडेट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। लाइव ट्रांसलेट का एक न्यू ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। जेस्चर में आपको 100 मोड मिल जाता है, आप चाहें तो इसे ऑन या ऑफ रख सकते हैं। फिर सिस्टम नेविगेशन में आपको 2 बटन 3 बटन है जेस्चर नेविगेशन सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। नेविगेशन बार से रिलेटेड आपको कोई कस्टमाइजेशन अभी तो नहीं मिलती। सिक्योरिटी में आपको फिंगरप्रिंट मिल जाता है, फिंगरप्रिंट लॉक को यूज कर सकते हैं। फेस अनलॉक का आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता। स्टाइल्स एंड वॉलपेपर में आपको मोनेट इंजन या बेसिक कलर्स में से कोई भी एक्सेंट कलर सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। इसके बाद आपको डार्क थीम डाइकॉन और ग्रिड साइज भी मिल जाएंगे। और बात करें स्टॉक वॉलपेपर की, तो आपको वही वॉलपेपर मिलेगा जो आपको प्रीवियस अपडेट्स में मिलता आया है। डिस्प्ले में आपको एडेप्टिव ब्राइटनेस, डार्क थीम, फॉन्ट साइज, डिस्प्ले साइज वाले ऑप्शन मिल जाएंगे। टैप टू वेक वाला ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। साउंड में आपको साउंड एंड वाइब्रेशन से रिलेटेड ऑप्शंस मिल जाएंगे। बैटरी में आपको बैटरी परसेंट इनेबल करने का ऑप्शन मिल जाता है, बट मैंने इसे ऑलरेडी द इवॉल्वर में से इनेबल किया हुआ है। और बात करें रोम के बैटरी बैकअप की, तो अगर आप एक नॉर्मल यूजर हैं तो 7 आवर तक का स्क्रीन ऑन टाइम आपको मिल जाएगा। नोटिफिकेशन में आपको नोटिफिकेशन से रिलेटेड ऑप्शंस मिल जाएंगे। सबसे ऊपर आपको देखने को मिलता है द इवॉल्वर वाला ऑप्शन, यहाँ पे आपको मिल जाती है कस्टमाइजेशंस। तो सबसे पहले थीम में आपको डार्क मोड मिल जाएगा, आपको अभी ओनली यही ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। स्टेटस बार में आपको बैटरी आइकॉन, बैटरी परसेंटेज, नेटवर्क ट्रैफिक इंडिकेटर और वोल्टी आइकॉन से रिलेटेड ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ के नोटिफिकेशन में भी आपको कुछ और नोटिफिकेशन रिलेटेड ऑप्शंस मिल जाएंगे। क्विक सेटिंग्स में भी आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे। पावर मेन्यू में आपको एडवांस्ड रिबूट वाला ऑप्शन मिल जाएगा। जेस्चर में आपको डबल टैप टू स्लीप और 3 फिंगर स्क्रीनशॉट का ऑप्शन मिल जाएगा। मिसलिनियस में अभी आपको कोई ज्यादा ऑप्शन नहीं मिलते, आपको सीपीयू इन्फो वाला ऑप्शन मिल जाता है, कोई गेमिंग मोड वगैरह भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। द टीम में जाकर आप एवोल्यूशन एक्स कम्युनिटी की इन्फो देख सकते हैं। और बात करें डिवाइस के सर्टिफिकेशन की, तो विदाउट रूट आपका डिवाइस सर्टिफाइड रहता है, विदाउट रूट आप बैंकिंग एप्स यूज कर सकते हैं। स्मूथनेस की बात करें तो स्मूथ रोम आपको मिल जाती है, ऐप ओपनिंग स्पीड आपको कुछ इस तरीके की देखने को मिलेगी। रिसेंट पैनल में आपको सिलेक्ट और स्क्रीनशॉट के ऑप्शन मिल जाएंगे। किसी भी आइकॉन पर लॉन्ग प्रेस करने पर आपको एप इन्फो और स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन भी मिल जाएगा। लेफ्ट कॉर्नर में मिलेगा क्लियर ऑल का ऑप्शन। गीकबेंच स्कोर्स की बात करें तो आपको कुछ इस तरीके के स्कोर देखने को मिलेंगे। स्टॉक कर्नल एक्सकैलिबर प्लस पे सिंगल कोर मिलेगा 495 और मल्टी कोर मिलेगा 1359। अब मैं सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट भी स्टार्ट कर देता हूं।
कुछ इस तरीके का थ्रोटलिंग ग्राफ आपको मिलेगा स्टॉप कर्नल पे। अब बात करें गेमिंग की, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इस रोम पे मैंने रिकॉर्डिंग रिलेटेड कोई भी इशू फेस नहीं किया। आपको कोई स्पेसिफिक रिकॉर्डर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप कोई भी रिकॉर्डर यूज़ कर सकते हैं। 60 FPS में स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आपको कोई इशू नहीं आएगा। अब बात कर लेते हैं रोम के गेमिंग परफॉर्मेंस की, तो गेमिंग परफॉर्मेंस आपको स्टॉक कर्नल पे इतनी अच्छी नहीं मिलती, आप इस पर मस्त वाली गेमिंग नहीं कर सकते। अगर आपको इस रोम पे गेमिंग करना है तो आप कस्टम कर्नल ट्राई कर सकते हैं। अब बात करें फ्लैशिंग प्रोसेस की, तो अगर आपका स्टोरेज इनक्रिप्टेड है तो आपको डाटा फॉर्मेट करना होगा। तो अगर आप कोई एंड्रॉयड 10 बेस्ड रोम यूज़ कर रहे हैं या आपका स्टोरेज इनक्रिप्टेड है, तो आपको आ जाना है वाइप में, फिर फॉर्मेट डाटा में, और यहाँ पे यस टाइप करके आपको डाटा फॉर्मेट कर लेना है, फिर आपको रिबूट टू रिकवरी कर लेना है। बट अगर आप यूज़ कर रहे हैं कोई एंड्रॉयड 11 या 12 वाला रोम डिक्रिप्टेड स्टोरेज के साथ, तो डाटा फॉर्मेट आपके लिए नेसेसरी नहीं है। आपको आ जाना है रिकवरी में, फिर जाना है वाइप में, और वाइप करना है 5 partition डेलविक कैट सिस्टम वेंडर डेटा। इसके बाद आपको फ्लैश कर लेना है फर्मवेयर, फिर रोम एफक्रिप्ट डिसेबलर फ्लैश करने की आपको ज़रूरत नहीं है, रोम ऑलरेडी डिक्रिप्टेड है। मैं रोम फ्लैश कर रहा हूँ इंटरनल स्टोरेज से, बट अगर आप SD कार्ड से फ्लैश करना चाहते हैं तो आपको एक मॉडेड रिकवरी यूज़ करनी होगी, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी के लिए एंड्रॉयड 12 वाला रोम SD कार्ड से फ्लैश करने के लिए आपको वही रिकवरी यूज़ करनी होगी। बस इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं।